उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पिछले कई दिनों से बाघ और वन विभाग के बीच आंख में चौली का खेल चल रहा है। बाघ कभी गन्ने के खेत तो कभी गेहूं के खेत में घूमता दिख रहा है। इस इलाके में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बाघ को कुछ कुत्ते खेतों से खदेड़ रहे हैं, लेकिन बाघ अब एक एक कर कुत्तों और दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे लेकर गाँव वालों में खौफ का माहौल है। गाँव मांधो टांडा के पास खराजा और हरदोई ब्रांच की नदी के बीच गन्ने के खेत में बाघ बीते कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और बाघ की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। बाघ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये बाघ है या बाघिन। खेतों में बाघ की मौजूदगी से किसानों में खौफ का माहौल है, जिसकी वजह से गेहूं और गन्ने की फसल पर काम ठप पड़ गया है। इसके अलावा बाघ पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। गांव वालों का कहना है कि कुत्ते ग्रामीणों को अलर्ट कर रहे थे, लेकिन एक एक कर कुत्ता भी नहीं बच पाया। अब वन विभाग की टीम मौके पर लाठी डंडे लेकर गांव वालों के साथ मौजूद है। बाघ को लगातार ट्रैक करने की कोशिश भी जारी है। बीते दिनों बाघ का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वन विभाग के लिए वायरल वीडियो सरदर्द बन रहा है, लेकिन राहत की ये बात है कि अब तक बाघ ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।